हाँ हाँ डोंट लीव, वीडियो का मेन मसाला तो अभी बाकी है। आज की वीडियो हर इंडियन को डेडिकेटेड है, क्योंकि आज मैं सभी को बताने वाला हूँ कि अगर कोई इंसान पानी बर्बाद करता है, पानी वेस्ट करता है, या नल खुला छोड़ देता है, या नल टूटा हुआ है लेकिन रिपेयर नहीं करा रहा है, तो आपको ऐसे लोगों की आंखें कैसे खोलनी है और इन्हें सबक कैसे सिखाना है। और हमारे देश का लॉ पानी की बर्बादी के बारे में क्या कहता है? हैरानी इस बात की है कि इस गाय को भी पता है कि अगर इंडिया में उसे किसी ने पानी वेस्ट करते हुए देख लिया तो ये क्राइम पेट्रोल वाली दस्तक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस गाय का IQ उन लोगों से काफी ज्यादा है जो नल खुला देखकर भी इग्नोर कर देते हैं और पानी बहने देते हैं। बड़े प्रॉब्लम है, इंडिया में कोई किसी की नहीं सुनता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो ऐसे में किसी को समझाना कि पानी कितना कीमती है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर पानी की कीमत जानने के बावजूद भी कोई ना समझे तो फिर मजबूरन पुलिस का डंडा चलवाना पड़ता है। तो बात करते हैं उस राज की जो 2 करोड़ सालों से दफन है, जिसे कोई नहीं जानता। और वो राज ये है कि इंडिया में पानी वेस्ट करना एक ऑफेंस है। हाँ, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ये रूल अभी थोड़े टाइम पहले ही बना है, इन द ईयर 2020। और 2 करोड़ साल तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने 8th ऑफ अक्टूबर 2020 को एक नोटिफिकेशन इशू की और ये डायरेक्शन दी कि ये नोटिफिकेशन ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल होगी। एज पर दिस नोटिफिकेशन, अगर आप ग्राउंड वाटर को वेस्ट करते हो, अब ये वेस्टेज किसी भी तरह का हो सकता है। वेस्टेज का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं बताया गया है कि वेस्टेज ऐसे ही होना चाहिए, सिर्फ वेस्टेज होने चाहिए, चाहे किसी भी तरह से हो, चाहे आप नल खुला छोड़ दो या आप यूज ही इस तरह से कर रहे हो कि पानी की वेस्टेज हो रही है, तो ये इल्लीगल है। आई एम सो सॉरी, आज इंडियन पीनल कोड नहीं है। सो एज पर सेक्शन 15 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अगर आप इस रूल को नहीं मानते हो, आप पानी वेस्ट करते हो, तो इसके लिए आपको 5 साल तक की कैद हो सकती है और 1 लाख तक का फाइन अलग से। प्लस अगर आप ढीठ हो, आप फिर भी नहीं सुधरते हो, तो आपको एडिशनल मैक्सिमम 5,000 रुपए पर डे तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप इसके लिए डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते हो, बिकॉज एज पर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, हमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है कि वो फला फला व्यक्ति पानी वेस्ट कर रहा है और ये एक ऑफेंस है। एंड इसके 60 दिन के बाद, आफ्टर 60 डेज, हम कोर्ट जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। दैट्स ऑल।